जब हमारी कोई कदर ना करे तो यह हमारे लिए काफी दुखद और निराशाजनक होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी मेहनत, हमारा समर्पण और हमारे प्रयत्न को मान्यता मिले और हमारे प्रयासों की पहचान हो, लेकिन कई बार हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि हमारी कोशिशें और मेहनत क्यों अनदेखी रह जाती है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण की वाणी एक राहदारी दे सकती है, जो हमें यह बताती है कि हमें अपने कर्मों से जुड़े फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए और ईश्वर को समर्पित रहना चाहिए। हमारे कर्म वही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु हमें इन्हें फल की चिंता ना करते हुए करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से यह तत्व समझने के लिए उन्होंने महाभारत के गीतों में कुछ उपदेश अत्यंत मूल्यवान प्रदान किए हैं। ये उपदेश हमें यह बताते हैं कि हमारे कर्मों की इम्पोर्टेंस तभी होती है जब हम उन्हें निष्काम भाव से करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं। हमारी कोशिशें और मेहनत हमें अवश्य सफलता प्रदान करती हैं, लेकिन यदि हम इन्हें फल के लिए करते हैं और किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति की कदर ना करने पर निराश हो जाते हैं, तो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में कठिनाई प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम सिर्फ अपने कर्मों पर फोकस करेंगे, निष्काम भाव से भगवान को समर्पित रहेंगे, तो हमें फल अवश्य ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो अपने स्टडी में मेहनत करता है और निष्काम भाव से स्टडी करता है, उसके अच्छे अंक और सफलता अपने आप में फलित होंगे। वह अपने उच्च एम्बिशंस के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करेगा और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक और इम्पोर्टेंट उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें कर्म योग में स्थित रहकर अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए, फल के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हम आत्मसमर्पण और समता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कलाकारी जो अपनी कला में समर्पित रहता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसे फल की चिंता नहीं होती। वह अपने कार्य में निष्काम भाव से लगा रहता है और अपनी कला में समर्पित रहकर समानता की भावना को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें श्रद्धा और समर्पण भाव से ज्ञान की खोज करनी चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो हम अपने आप को आनंददायक शांति की स्थिति में पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ध्यानी योगी जो नियमित ध्यान करके अपने मन को निग्रह करता है, उसे अधिक ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। वह अपने आप को समय समय पर अंतर्मुख होने के लिए प्रेरित करता है और मन को संयमित करके उच्चतम शांति की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में यह संदेश है कि हमें अपने कर्मों की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और आत्मसमर्पण भाव से काम करना चाहिए। यदि हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो हमें सफलता, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी और हम अपने जीवन को